बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करके ए पावर फाइव प्लस बी पावर फाइव डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ए पावर फाइव प्लस स्क्वायर रूट बी पावर फाइव को फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ एन के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे स्क्वायर रूट सेवन प्लस स्क्वायर रूट थ्री को। इसी तरह ये इक्वेशन नंबर टू नहीं, ये वाला एन के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे स्क्वायर रूट सेवन माइनस स्क्वायर रूट थ्री को। इधर भी लिख देंगे और इधर भी लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ इन दोनों को और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो यहाँ जाएगा ए इज इक्वल टू एन से स्क्वायर रूट सेवन प्लस स्क्वायर रूट थ्री होल स्क्वायर आ जाएगा, जबकि नीचे डिनोमिनेटर में इनसे फार्मूला के मुताबिक आ जाएगा स्क्वायर रूट सेवन होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट थ्री होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा इनसे सेवन फार्मूला के मुताबिक इनसे थ्री प्लस टू स्क्वायर रूट ट्वेंटी वन। नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ इनसे आ जाएगा सेवन इनसे माइनस थ्री इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर इनसे टेन आ जाएगा, फिर इनसे टू को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा फाइव प्लस स्क्वायर रूट ट्वेंटी वन डिनोमिनेटर में फोर। फिर क्या करेंगे, ये टू फोर नहीं है, ये कैंसिल हो जाएंगे, टू वन ज़ार टू, टू टू ज़ार फोर, तो यहाँ जाएगा इनको इस तरह लेंगे ए इज इक्वल टू फाइव ओवर टू प्लस स्क्वायर रूट ट्वेंटी वन ओवर टू, और इसको नाम देते इक्वेशन नंबर वन का। फिर क्या करेंगे, इक्वेशन ये टू नहीं है, इनको ले लेंगे, ये बी नहीं है, तो यहाँ इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसी तरह, तो यहाँ फार्मूला के मुताबिक आ जाएगा स्क्वायर रूट सेवन माइनस स्क्वायर रूट थ्री होल स्क्वायर, जबकि नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्क्वायर रूट सेवन होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट थ्री होल स्क्वायर फार्मूला के मुताबिक। फिर इनको फार्मूला के मुताबिक करेंगे, यहाँ सेवन प्लस थ्री माइनस, ये माइनस माइनस टू स्क्वायर रूट ट्वेंटी वन, जबकि नीचे डिनोमिनेटर में सेवन माइनस थ्री, तो यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करें, इनसे टेन आता है, फिर दोनों से टू को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ जाएगा फाइव माइनस स्क्वायर रूट ट्वेंटी वन, जबकि नीचे डिनोमिनेटर में इनसे फोर टू वन ज़ार टू, टू टू ज़ार फोर, तो यहाँ जाएगा बी इज इक्वल टू फाइव ओवर टू माइनस स्क्वायर रूट ट्वेंटी वन ओवर टू, और इसको नाम देते इक्वेशन नंबर टू का। फिर क्या करेंगे, यहाँ इन दोनों इक्वेशनों को ऐड करेंगे, ए प्लस बी इज इक्वल टू यहाँ फाइव ओवर टू प्लस स्क्वायर रूट ट्वेंटी वन ओवर टू प्लस फाइव ओवर टू माइनस स्क्वायर रूट ट्वेंटी वन ओवर टू, तो यहाँ ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ इनसे आ जाएगा, इन दोनों को डिनोमिनेटर सेम लिख देंगे, और ऊपर फाइव प्लस फाइव, फाइव प्लस फाइव टेन ओवर टू, यहाँ इनसे आ जाएगा, फिर टू वन ज़ार टू, टू फाइव ज़ार टेन, तो हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, फाइव, और इसको नाम देते इक्वेशन नंबर थ्री का। फिर क्या करेंगे, ए बी को फाइंड करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे फाइव ओवर टू प्लस स्क्वायर रूट ट्वेंटी वन ओवर टू, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में फाइव ओवर टू माइनस स्क्वायर रूट ट्वेंटी वन ओवर टू, तो यहाँ आ जाएगा फार्मूला के मुताबिक फाइव ओवर टू होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ट्वेंटी वन डिनोमिनेटर में टू होल स्क्वायर, तो यहाँ फाइव स्क्वायर
से आ जाएगा 25, 2 स्क्वायर से 4, माइनस इन से 21, नीचे 4, फिर इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ 25 माइनस 21 डिनोमिनेटर में 4, तो यहाँ 4 डिनोमिनेटर में 4, 4 4 के साथ कैंसिल हो जाए, यहाँ जाएगा 1, तो हमारे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी 1, और इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 4 का। फिर क्या करेंगे, यह इक्वेशन नंबर 3 को ले लेंगे। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, वो है ए प्लस बी इज इक्वल टू 5, फिर दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, इस तरफ भी इस तरफ, फिर इनको फार्मूला के मुताबिक खोलेंगे, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू इनसे 5 स्क्वायर, तो यहाँ ए बी है तो यहाँ ए बी के जहाँ 1 इज इक्वल टू 2, तो 25 से 2 माइनस करो तो इनसे क्या आता है 23, तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 23, इसको नाम देते इक्वेशन नंबर 5 का। फिर क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को पॉइंट करेंगे, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला के मुताबिक बराबर होता है ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो यहाँ ए प्लस बी किसके बराबर है, ये बराबर है 5 के, तो यहाँ 5 आ जाएगा, और ये बराबर है 23 के माइनस 1, तो इनसे आ जाएगा, इनसे 5 मल्टीप्लाई 22, तो 5 को 22 के साथ मल्टीप्लाई कर 110, तो यहाँ ए पावर 3 प्लस बी पावर 3 की वैल्यू आ जाएगी 110, और इसको नाम देते इक्वेशन नंबर 6 का। फिर क्या करेंगे, इसके बाद इक्वेशन नंबर 5 या इक्वेशन नंबर 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 110 मल्टीप्लाई 23, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इनसे आ जाएगा ए पावर 5, इनसे प्लस ए क्यूब बी स्क्वायर प्लस इनसे ए स्क्वायर बी क्यूब इनसे प्लस बी पावर 5 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इनसे आ जाएगा 25 130 यानी 2030 से आता है, यहाँ ए पावर 5 प्लस बी पावर 5, और इन दोनों से ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ ब्रैकेट में ए प्लस बी इज इक्वल टू 2530। फिर क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे ए पावर 5 प्लस बी पावर 5, इन दोनों से स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ ए बी होल स्क्वायर ये किसके बराबर 5 के इज इक्वल टू 2530, तो यहाँ ये किसके बराबर ए बी 1 के, तो 1 स्क्वायर 1 और 5 के साथ मल्टीप्लाई कर इनसे 5 आता है, फिर 2530 से 5 माइनस करो तो इनसे आता है 2525, तो हमारे पास ए क्यूब ए पावर 5 प्लस बी पावर 5 की वैल्यू आ जाएगी 2525, और इसको नाम देते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 7 का, और ये हमारे पास नॉमिनेटर है आंसर का। अब डिनोमिनेटर को फाइंड करेंगे, उनके लिए स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी
होल स्क्वायर ले लेंगे तो फार्मूला बता दें बराबर हो ए प्लस बी प्लस टू स्क्वायर रूट के अंदर ए बी। तो यहाँ ए प्लस बी किसके बराबर है फाइव के, ए बी वन के, तो स्क्वायर रूट वन किसके बराबर होगा तो वन के, तो यहाँ आ जाएगा फाइव प्लस इनसे टू, तो यहाँ इनसे सेवन आ जाएगा। तो यहाँ स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेवन, फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ ए भी ज़ीरो से ग्रेटर है और बी भी ज़ीरो से ग्रेटर है, तो निगेटिव वैल्यू को नहीं लेंगे पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे स्क्वायर रूट सेवन को ले लेंगे पॉजिटिव स्क्वायर रूट सेवन को, इसको नाम दी इक्वेशन नंबर एट का। फिर क्या करेंगे क्यूब को पॉइंट करेंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी होल क्यूब इज इक्वल टू सेवन स्क्वायर रूट सेवन क्यूब, फिर ये स्क्वायर रूट सेवन है इनको इस तरह लिख सकते हैं ना स्क्वायर रूट सेवन मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट सेवन मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट सेवन, तो यहाँ इनसे स्क्वायर रूट सेवन होल स्क्वायर रूट सेवन, तो इनसे आ जाएगा सेवन स्क्वायर रूट सेवन, इसको इस तरह लिख देंगे। तो यहाँ फार्मूले के मुताबिक स्क्वायर रूट ए क्यूब स्क्वायर रूट बी क्यूब प्लस थ्री स्क्वायर रूट के अंदर ए बी, यहाँ स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी इज इक्वल टू इनको इस तरह लेंगे सेवन स्क्वायर रूट सेवन। फिर क्या करेंगे ये स्क्वायर रूट ए क्यूब नहीं इनको भी इस तरह फार्मूला बता दें ए स्क्वायर रूट ए बी फार्मूला बता बी स्क्वायर रूट बी प्लस ये किसके बराबर है वन के, तो यहाँ इनसे थ्री आ जाएगा और ये बराबर होता है स्क्वायर रूट सेवन के इज इक्वल टू सेवन स्क्वायर रूट सेवन। तो यहाँ ए स्क्वायर रूट ए प्लस बी स्क्वायर रूट बी प्लस थ्री स्क्वायर रूट सेवन इज इक्वल टू सेवन स्क्वायर रूट सेवन। फिर क्या करेंगे थ्री प्लस स्क्वायर रूट सेवन है इनको इस साइड पर लाएं तो ये माइनस थ्री स्क्वायर रूट सेवन आ जाएगा, तो यह हमारे पास ए स्क्वायर रूट ए प्लस बी स्क्वायर रूट बी की वैल्यू आ जाएगी फोर स्क्वायर रूट सेवन, और इसको नाम देते इक्वेशन नंबर नाइन का। फिर क्या करेंगे इसके बाद इक्वेशन नंबर फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ इक्वेशन नंबर एट के साथ, तो यहाँ लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री स्क्वायर रूट सेवन। तो यहाँ इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ए प्लस इनसे ए स्क्वायर स्क्वायर रूट बी इनसे प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट ए प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट बी इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री स्क्वायर रूट सेवन। फिर क्या करेंगे यहाँ ये और ये ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए पावर वन ओवर टू, फिर इनको लिख देंगे टू प्लस वन ओवर टू दोनों का बेस सेम है, फिर इनको लिख देंगे एल सी एम इनका ले लेंगे फोर प्लस वन डिनोमिनेटर में टू, तो यहाँ ए पावर फाइव ओवर टू इनको लिख देंगे स्क्वायर रूट ए पावर फाइव, तो इनको और इनको इस तरह लिख देंगे इस रूल के मुताबिक, तो यहाँ स्क्वायर रूट ए पावर फाइव प्लस स्क्वायर रूट बी पावर फाइव प्लस इन दोनों से स्क्वायर रूट ए मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट बी को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ ए स्क्वायर रूट ए प्लस बी स्क्वायर रूट बी इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री स्क्वायर रूट सेवन, तो यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट ए पावर फाइव प्लस स्क्वायर रूट बी पावर फाइव प्लस इन दोनों का एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे, और ये किसके बराबर है ये बराबर है फोर स्क्वायर रूट सेवन की।
इज इक्वल टू 23 स्क्वायर रूट 7, तो यहाँ ए स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट बी पावर 5 ये 1 के बराबर है, तो यहाँ 4 स्क्वायर रूट 7 आ जाएगा इज इक्वल टू 23 स्क्वायर रूट 7। फिर इनको इस साइड पर लाएंगे तो ये माइनस 4 स्क्वायर रूट 7 आ जाएगा, इनसे माइनस 4 स्क्वायर रूट 7, हमारे पास स्क्वायर रूट ए पावर 5 प्लस स्क्वायर रूट बी पावर 5 की वैल्यू आ जाएगी 19 स्क्वायर रूट 7, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 10 आ गया, और ये हमारे पास आंसर की डिनोमिनेटर वैल्यू आ गई। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इक्वेशन नंबर 7 को डिवाइड करेंगे किस पर, इक्वेशन नंबर 10 पर, तो यहाँ आ जाएगा हमें पॉइंट क्या करना था, ए पावर 5 प्लस बी पावर 5 डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ए पावर 5 प्लस स्क्वायर रूट बी पावर 5, इनकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ 2525, नीचे डिनोमिनेटर में 19 स्क्वायर रूट 7, ये हमारे पास आंसर आ गया।